नमस्कार, हम आ चुके हैं आज हम पूंछ के अंदर। गरौटा विधानसभा का पूंछ में खड़े हैं। आपको अवगत करा दें, आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संत सिंह सिरसा, ये काफिला देख सकते हो, संत सिंह सिरसा का ये काफिला पूंछ में जनसंपर्क करने के लिए। जानते हैं संत सिंह सिरसा जी से आखिरकार ये काफिला किस तरीके से कि आखिरकार समाजवादी पार्टी में गरौटा से के सपा में ये जनता का वोट डल पाएगा। संत सिंह सिरसा जी, क्या कहना है आपका? ये जनता जो भीड़ जनसंपर्क कर रहे हो, क्या ये वोट सपा में डल पाएगा? ये बोटी तो है। आज देश में सबसे बड़ा प्रश्न है संविधान की रक्षा करना। संविधान हमारी रक्षा करता है। आज हम संविधान की रक्षा के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस लोकतंत्र में, ये लोग विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज इस देश में सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, और लोकतंत्र जब संविधान ही नहीं है तो फिर हमारे अधिकार कहाँ जाएंगे? आज जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, जो रोजगार की बातें होती थी वो सारी संस्थाएं बेच दी गई हैं। अब ये हमारे बच्चे आगे 20 साल बाद क्या करेंगे? इन्हें तो मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया है। तो ये सब पूरे सारे लोग वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आर्थिक मदद भी करेंगे, सब तरह से सहयोग करेंगे। अरे कौन हो आपको? मोहन दादी बताओ, का क्या हुआ है? 5 साल तो हो गए। 5 साल हो गए अखिलेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा विकास किया। अभी जो रोड देख रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ है, 3 घंटे लगते थे गुरसराय पहुँचने में। अच्छा, अभी आप 70 मिनट में मौलानीपुर पहुँच जाइए। 55 लाख लोगों को पेंसिल थी, 12 लाख लैपटॉप बांटे। इतना अच्छी गवर्नमेंट रही अखिलेश गवर्नमेंट की। कैसा विधायक चाहिए दादा? अखिलेश कह रहे हैं। सबसे पहले भैया देव न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पधारे। और सबसे पहले ये कहेंगे जो है कि अखिलेश सरकार ने बहुत कुछ किया जनता के लिए। बांध से लेके मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं की देन है, उन्हीं ने न्यू डाली है। और अगर बांध आज तैयार हो जाता तो सारे गांव नदिया पार के संचित हो जाते। लेकिन जो बीजेपी ने इसको रोक रखा है, इसके कारण 40 गांव के लोग आज विरोध कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 10,000 लोग जुड़े हैं। सारे लोग जो है परेशान है। सारे लोगों की जो है फ़ोन पे बातें होती हैं हमसे कि जो है यहाँ कोई बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप कैसे भी करके सरकार को तैयार करें, हम आपके साथ हैं और बराबर सहयोग करेंगे आपका। दादा बच्चा सही कह रहे हैं, झूठी कह रहे हैं? सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तुम्हारा क्या बता बच्चा? मैं हुकुम सिंह यादव, हाँ, पूर्व टीचर रहा, और मैं बांध के पक्ष में हूँ कि बांध अति शीघ्र बनना चाहिए, जिससे पब्लिक को 5 साल में बांध इसलिए हमने जांच के नाम पर वो जांचें कराते रहे, बांध को रोक के रखा। चाहते तो बांध बना सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी का काम था, उन्होंने जानबूझ के बांध नहीं बनने दिया और किसानों को लाभ हो जाता बहुत बड़ा, इसलिए उन्होंने रोक के रखा है। काम कुछ करना नहीं चाहते, बेरोजगारी फैला के रखी है, यही है, सारे लोग परेशान। फिर आपके पास क्या वो जो है कि जो बांध बनना तो बांध रोक लगा दी? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विकास कार्य कराए थे, उनको जब सरकार चली गई उसके बाद वो सारी चीज़ें रोक दी गई हैं जो वो पूरा करा गए थे। जैसे दादी ने बताया कि वो रोड, इस रोड में इतनी 2-2 फुट के गड्ढे थे, पैदल चलना मुश्किल था। आज आप 120 की स्पीड से मऊरानीपुर जा सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने काम करे हैं अभी तक आप? हम जहाँ जहाँ गए पूरा इतना उत्साह है लोगों में, इतना गांव-गांव में उत्साह है। दूसरी पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाह रहा है, अब इसलिए कहना कुछ नहीं चाह रहा कि भाई ठीक है, अब हम 20 तारीख को अपना जवाब देंगे, और 10 तारीख को जब गिनती होगी सारी चीज़ आप तब पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। का वो है भाई साहब आपको भी? जी, का क्या वो है? देवी दयाल जी, का क्या वो है बताओ? हमारा ये कहना है कि इस सरकार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। क्या कह रहे? हाँ, बेरोजगारी अच्छा चरम पर है। इसके अतिरिक्त निजीकरण फैलाए हुए है और सारे विकास कार्य रोक दिए हैं। अच्छा, केवल मंदिर मस्जिद और केवल धर्म के नाम पर ये वोटों को ब्लैकमेल करना चाहती है। अच्छा, सारा युवा परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है, और लोगों ने मन बना लिया है कि इसको पलटना है, सरकार को पलटना है, और 10 मार्च 22 को अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है।
क्या करके वो आपको बताओ। हम लोग तो रोजगार बिल्कुल बिल्कुल परेशान है, रोजगार युवा है, हम लोग रोजगार चाहते हैं, कोई रोजगार का यहाँ पर उपलब्ध नहीं कराएगा योगी सरकार में, और जो रोजगार मांगेगा उसको लाठी डंडे से कूटा जाएगा। जो प्रयागराज में हुआ अभी, युवा को जो भी छात्र अगर रोजगार मांगेंगे नौकरी मांगे तो उनको लठ बजाया जाएगा। पूछ के खेती किसानी है का मजदूरी है? मजदूरी है, मजदूरी कर रहा है। हम क्या बताएं, खाद की महंगाई, डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, इसके बाद यहाँ पे जैसे तैसे अपना रोजगार चलाने के लिए गाड़ियाँ ले ली, वो डिफॉल्टर हो गए सब। ये इतनी बड़ी मंडी थी यहाँ, यहाँ पे की सबसे बड़ी मंडी थी, वो भी नष्ट कर दी है ही नहीं। परेशान है अपना जो है, जहाँ पे भी जाओ अब कोई नीति नहीं है, इतना टैक्स लगा दिया, सेवा समाप्त हो गई। सर ये परेशानी, हम सर मोची का कार्य करता हूँ एक्चुअली, देखो मेरे हाथ बड़े सर भाई, खाद्य पदार्थ है सर, जैसे डालडा है, तेल है, ये गरीब इंसान परेशान सर, मजदूर वर्ग का भी परेशान है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल परेशान सर, मैं सत्य बोल रहा हूँ सर, बहुत परेशान जनता भी है सर, और अखिलेश के साथ में सब लोग साथ एक साथ सबका विकास करेंगे अखिलेश। अच्छा। क्योंकि उन्होंने लैपटॉप भी बांटे थे और कन्या को भी सब कुछ दिया है, उन्होंने हर बेरोजगारी भत्ता भी दिया है, और वो करेंगे। हम अखिलेश के साथ हैं, हम सब पूरी जनता जनता साथ है, वो सबका साथ सबका विकास अखिलेश करेंगे। अखिलेश जी ये सबका विकास करेंगे, और क्योंकि यहाँ जनता का रुख तो देख ही रहे आप लोग, बहुत ही परेशान है जनता। हाँ बच्चा पूछ के अंदर हो रही चर्चा, जब पूछ वाले सब खड़े, पूछ दादा राम राम बताओ क्या वो कौन गांव का? जो हम बड़ेरा हम किसान है भैया, बहुत परेशान है किसान जी सरकार से। गाय हम रात भर खेत पे पड़े रहते हैं, रात भर बहुत परेशान है, इसलिए जो है हम तो अखिलेश सरकार बना रहे हैं, अखिलेश सरकार में सुविधा है। वहाँ जो क्या हुआ है, भाजपा सरकार में इतने आदमी मर गए, आपका हुए है और 700 किसान मर गए, अब या कोरोना में इतने चले गए, अब तो ठीक है, अब तो अखिलेश सरकार चाहने। अब अच्छा अवगत करा दे, हम खड़े थे गरौटा विधानसभा के पूछ में, हो रही थी चर्चा, और जो जन सैलाब दिख रहा है, जो जन सैलाब। हाँ दादा क्या नाम? जाकर माता प्रसाद नाम हमारा। हमें जो है अखिलेश की सरकार में किट मिली थी, सब कुछ मिलता, इसमें क्या है 5 किलो गल्ले दे आपको बता दें जी भैया से, और हो जाए चर्चा। कब आप सबसे पहले देखिए, पूछ कस्बा है, यहाँ से जो रोड गया है इसको बेस्ट स्टेट अवार्ड हाईवे का अवार्ड दिया गया है। ए रोड जाके डिफेंस कॉरिडोर को भी जोड़ता है, ए रोड मऊरानीपुर तक जाता है, इसको भी बनाने का काम अगर किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है। इसके बाद मोठ में सामुदायिक स्वास्थ्य के ट्रामा सेंटर का दर्जा देने का भी काम अखिलेश यादव जी ने किया है। इसके अलावा यहाँ पर अपना जो डैम बनने तैयार, जुधारपुरा डैम तैयार होना था, उसको भी कहा अखिलेश जी ने देने का काम किया है। लेकिन इस सरकार ने सिर्फ विकास कार्यों पर रोक लगाई है, और कोई भी काम इस सरकार ने उसको सुचारू रूप से चालू नहीं किया है। आप चाहे कोई भी किसान उठा के देख लीजिए, आज किसान रात रात भर जाग रहा है, अपने बैलों से रक्षा सांड घूम रहे हैं आवारा, उनसे रक्षा कर रहा है। लेकिन इस सरकार में क्या है, किसान रात भर खेतों में डला है, ठंड से किसानों की जान जा रही है, लेकिन आज तक किसी भी यहाँ पर किसान नेता अपने आप को कहते हैं बीजेपी के नेता, लेकिन आज तक इन्होंने विधानसभा में इस चीज़ की कभी आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे रोड कभी बना के दिया, आज तक इस रोड को स्टेट हाईवे का बेस्ट स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया, ये काम भी अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, लेकिन आज तक सरकार ने कभी ऐसे काम करा के दिए नहीं कभी। आप चाहे चितकुआ से सिकंदरा से लेके समतर वाला रोड हो, चाहे मोड़ से समतर तक का रोड हो, मोड़ से भांडर वाला रोड हो, ये सारे काम समाजवादी सरकार अखिलेश यादव के टाइम पे हुए। यहाँ पे डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन क्या होता है? डबल इंजन ये था कि यहाँ पर विधायकी भी थी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी यहाँ पे थी। जब यहाँ पे डबल इंजन की तरह के विकास काम हुए यहाँ पर गरौटा विधानसभा, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। सब बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कुछ में भी बेरोजगारी, सब जगह बेरोजगारी है, सब में बेरोजगारी है। और हमारी जो नहर आई है मैन शाखा पारिशाह से, वो 10 मील बोलते हैं नहर पे, वहाँ जहाँ बम्बा निकला है वहाँ नहर में सटरें पड़ी हैं, इस सरकार में वो सटरें भी बदमाश ले गए, हाँ काट के। अच्छा? उसने पुलिस रखा नहीं पाई, पानी आज भी नहीं लग पा रहा, पानी नहीं लग पाता, नीचे से पानी निकल जाता है। बड़ेरा सिरसा वाली और अपनी बताओ, दोनों बम्बिया में पानी उसी से चलता था, आज नहर नीचे चल रही, बम्बिया सब टंगी है, किसान पानी के लाने फिर रहा हो,
और जो खकल कोटी पे कर्मचारी रहते थे, एक भी कर्मचारी नहीं है। कौन सटन डालेगा, कौन उठाएगा? अच्छा बता दें, जो जन सैलाब जो जनता पूरी थी संत सिंह सिरसा जी की, आपको अवगत करा दें। ऐसा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, छात्रों पे लाठी बरसाई जा रही हैं, रोजगार है नहीं, तमाम की समस्याएं। कोई एक समस्या है जिसको गिनाया जा सके? और गिनाने के लिए तो एक घंटा चाहिए कम से कम, पूरा आप विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि आप उतना ही समय दे रहे हैं तो उसमें शॉर्ट में सब बताए दे रहे हैं। हर वर्ग का आदमी परेशान है, किसानों को कारों से कुचला जा रहा है, तो सभी सभी परेशान है। कोई हम तो भैया जा कह के जो है देव न्यूज तो हर गांव गांव जा रही है जो है, वो हर जगह देख रहे हैं आप लोग कि कितनों कीचड़ है, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ फंस रही हैं जो है, कितनी समस्या आ रही है। आप पूछे तो दादा जी, 5 साल हो गया धरती पर सत्ता की सरकार में, काम हो पूछ के अंदर और अनेकों गांवों में, पूछ के अंदर एक भी काम नहीं, सच्चाई है, एक भी काम नहीं। उसमें क्या बात है, कोई आप खुद चलो नहीं, आपको दिखा दूँ कौन सा काम होगा। इस बार का विधायक कैसा होगा? जैसा विधायक होना चाहिए वो होने वाला है। हाँ, क्या है? जी हाँ, दीप नारायण सिंह, ओनली ओनली ओनली। अच्छा अपनी बात को करे संभव, जो तो पूछ पूछ में जनता ने कहा कही का नहीं कही, शाम को देख लियो खबर, जो गांव के अंदर काम अचो पूछ के अंदर जनता को कहा रोजाना किए विधायक की कुर्सी पे, यहाँ भी जनता बैठा ली। धन्यवाद।